मेरा नाम है रविकांत। डिजिटल मार्केटिंग में 6 साल से हूँ। एक्सपर्टीज मेरी एसईओ के अंदर है। फ्रेंड्स, हमारी तीसरी वीडियो है ये हमारी एसईओ सीरीज पर, और आज का टॉपिक है मेटा टैग्स। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट इज मेटा टैग्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मेटा टैग्स, टाइप्स ऑफ मेटा टैग्स। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। What is meta tags? Meta tags are textual basis content written in the source code. यानि कि meta tags जो है text basis पे लिखे हुए code है basically, जिसको source code में लिखा जाता है, और it can be found while searching a keyword or any phrase on website. यानि कि normally आप कुछ भी search करते हैं तो ये आप easily search कर सकते हैं. Examples of meta tags. अब देखते हैं examples क्या हो सकते हैं. जैसे कि आपने कुछ भी सर्च किया, स्क्रीनशॉट से आपको पता लग रहा होगा, मैंने एरो बना रखे हैं, इससे आपको टॉप में देखा है एसईओ मार्केटिंग टूल, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन स्टिल नेसेंट इन इंडिया। कुछ भी आप सर्च करते तो होता क्या है कि एक यूआरएल होता है, यूआरएल के नीचे आप टाइटल देख सकते हैं, टाइटल के नीचे कुछ समरी सी होती है, ये बेसिक यही इसी को हम मेटा टैग्स बोलते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मेटा टैग्स की। Meta tags are snippets or a text written in HTML sources code, source code page to tell search engine important information. यानि कि meta tags वो snippets होते हैं text में written किए हुए जो कि HTML source यानि हमारे backend में लिखे जाते हैं। इसका main reason होता है search engine को ये बताना जैसे हमारा page पर title क्या है, पेज किस बारे में है। इसके अलावा जो summary आप देखते होंगे, summary भी बताती है, summary जो भी हमारा पेज किसी पर्टिकुलर टॉपिक सर्विसेज पे हो सकता है, प्रोडक्ट पे हो सकता है, तो उसको बताने के लिए हाउ दे शुड डिस्प्ले इन द सर्च रिजल्ट। इसके अलावा कि किस तरह से शो हो, ये भी मेटा टैग्स का मेजर रोल होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट आल्सो टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले मेटा टैग्स टू विजिटर्स। इसके अलावा इसका मेन काम ये भी होता है कि जो विजिटर्स होते हैं वो कैसे, उनके सामने कैसे दिखे। Every web page has meta tags, but they are only visible in the HTML code. देखिए basically होता है कि हर page पे meta tags use किया ही जाता है अगर उसपे SEO specialist हो रखी हो, लेकिन ये HTML code के अंदर ही visible होता है। अगर आप वो ऐसे ही देखेंगे site पे तो ऐसे आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। तो friends देखते हैं आज live example कि meta tags कैसे दिख सकते हैं source code के अंदर। सबसे पहले मैंने आपके लिए क्लिपिंग बनाई, आई क्लिपिंग को देखते हैं। मैंने गूगल पे सर्च किया एक कीवर्ड बेस्ट नी लेंथ शॉर्ट्स। अब आप देख सकते हैं मैंने इस वेबसाइट को क्लिक करा मिंत्रा को, ये आप देख सकते हैं मैंने कॉपी किया कुछ कीवर्ड्स को, एक फ्रेज है। अब मैं यहाँ पे इजी फाइंड करूंगा, इससे क्या होगा ये देखिए आपको ये टाइटल दिख रहा है जी। आप ओवर करेंगे तो आपको टाइटल दिखेगा किसी भी साइट पर। मैंने कंट्रोल यू का बटन दबाया, सोर्स कोड पे आया। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा हाई फाई कोडिंग टाइप की, हो सकता है आपको बिल्कुल भी समझ में ना आए, ये एक्चुअली आपको सिर्फ नॉलेज देने के लिए है। तो मैंने कंट्रोल एफ का बटन दबाया और वो कीवर्ड सर्च किया, तो आप जैसे देख सकते हैं बॉटम में जो ऑरेंज कलर में ये आया है, डिस्क्रिप्शन है ये बेसिकली हमारा। तो ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर, ऑनलाइन शॉपिंग को नी लेंथ से लेकर जहां तक हमने अभी हाईलाइट किया ब्लू में, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या है। अब बात करते हैं, ये हमारा टाइटल है नी लेंथ शॉर्ट्स मिंत्रा। हम लोग यहाँ से इजीली कॉपी कर लेते हैं क्योंकि वो हाइपर था। अब हमने कंट्रोल एफ फाइंड किया, कंट्रोल वी। बेसिकली हम टाइटल देखना चाहते थे तो हम क्या कर रहे हैं कि टाइटल ये देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर हमको टाइटल दिख रहा है जिसमें हमने नी लेंथ शॉर्ट्स और इसके अलावा बाय नी लेंथ शॉर्ट्स ऑनलाइन इन इंडिया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कोडिंग जो है इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, पर जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे ये उतना मुश्किल रहेगा नहीं।
तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेटा टैग्स की। मेटा टैग्स बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड्स। होप करता हूँ कि आपने हमारी वीडियो को आज एंजॉय किया होगा और काफी क्यूरियस होंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो प्लीज चैनल पहले सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम टू मेटा टाइटल के ऊपर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।